तो निर्भया जैसी घटना फिर कभी ना हो, इसकी तैयारी कैसी है, ये जानने के लिए देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए नोएडा और साथ ही गाजियाबाद का हमने रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक में हमने काले शीशे वाली गाड़ी से लेकर कई इलाकों में घूमकर ये जानने का हमने प्रयास किया कि आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने का दावा करने वाली पुलिस असल में कितनी चौकन्नी है। ये रियलिटी रिपोर्ट देखिए। पहले दिल्ली से सटा एक शहर, नाम है जिला गाजियाबाद। ये शहर अपराधों के बढ़ते ग्राफ की वजह से कुख्यात है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे यहाँ का प्रशासन भी बार बार करता है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप जरा आज खुद देख लीजिए। ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ एक पीसीआर वैन आपको दिख रही होगी, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वो पुलिस पर्सनल जो उसमें तैनात है वो इस सड़क पे चक्कर भी लगा रहे हैं। कई बार वो यहाँ तक आते हैं इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक आने के बाद वापस चले जाते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और हमारी गाड़ी की तरफ उनकी निगाह भी जाती है। वो हमारी गाड़ी को देख भी रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये पूछने का कष्ट हमसे नहीं किया, या उस गाड़ी में बैठे हमारे ड्राइवर से ये पूछने का कष्ट नहीं किया कि भैया तुम्हारी गाड़ी में ये जेट ब्लैक शीशे लगे हैं, टिंटेड ग्लासेस तुमने लगा रखे हैं, किसकी इजाजत से? कि इस पॉइंट से गाजियाबाद दाखिल हो रहे हैं हम। देखते हैं हमारे रास्ते में कहाँ कहाँ पुलिस पिकेट्स हैं, कहाँ बैरिकेड्स हैं, कहाँ पुलिस के लोग मौजूद हैं, कहाँ ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद हैं, कहाँ पुलिस स्टेशन है। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठकर जब हम गाजियाबाद की तरफ बढ़े तो NH-24 से यू टर्न लेते ही पहला पुलिस पिकेट पॉइंट मिला हमें। इस पुलिस पिकेट में ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ इस ट्रैफिक के बीच में, इन लोगों के बीच में रिहायशी इलाका है और ट्रैफिक वाला भी इलाका है, और सोचिए वहाँ ताला बंद है। लंच टाइम भी नहीं होगा शायद, क्योंकि 3:15 बज रहे हैं। अच्छा, फ्लाईओवर पार करके हम दाखिल हो चुके हैं गाजियाबाद शहर की एक मुख्य सड़क पर। यहाँ ये ट्रैफिक पुलिस का एक और जवान आपको दिखा यहाँ पे, जो बाइक लगा के यहाँ खड़ा है। उसने हमें देखा, हम उसके सामने से निकले, उसने हमने रोकने का प्रयास नहीं किया। जेट ब्लैक काले शीशे लगे हुए हैं और वो आपकी बड़ी गाड़ी है, यानी आपके रसूख को कहीं ना कहीं इसमें दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत रसूख वाली गाड़ी है। पुलिस के लोग जो सड़क पे होते हैं वो रसूख की गाड़ियों को हाथ देने में, उनको रोकने में, उसमें कौन बैठा है उसको चेक करने में वो संकोच क्यों करते हैं? इन पॉइंट्स से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तमाम जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनके दफ्तर आपको इसी सड़क पर मिलेंगे आगे। हम अब गाजियाबाद के एक और मुख्य इलाके से गुजर रहे हैं, पुलिस चौकी घंटा घर गाजियाबाद। मैंने कहा ना, हार्ट ऑफ द सिटी से गुजर रहे हैं इस वक्त। और आप ये सोचिए, दो पुलिस के लोग यहाँ भी आपको मौजूद दिखेंगे। ये मेन सिटी का पुलिस पोस्ट है, पुलिस चौकी है, जहाँ पर तैनाती भी है। तैनाती आप देख रहे हैं ना, दो पुलिस के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन गाड़ी उनके ठीक सामने से गुजरी तो एक व्यक्ति उसमें से, एक पुलिस वाले भाई साहब फोन पे बात कर रहे थे और एक अपनी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। तो अब एक बड़े पुलिस अधिकारी का दफ्तर भी आने वाला है। हम इस वक्त बमुश्किल 15 से 20 की स्पीड के बीच चल रहे हैं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक नगर गाजियाबाद, वो हमारे दाहिनी तरफ है। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट इस वक्त 12 से 15 की स्पीड में है। थाना कोतवाली के अंतर्गत ये पुलिस सहायता केंद्र आता है। और अब ये देखिए, ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए ये दो लोग जिनके बगल से मैं गुजर रहा हूँ, इन्होंने हमारे कैमरे की तरफ देखा भी, हमारी गाड़ी के शीशे भी देखे। अच्छा, बस अड्डा गाजियाबाद है, उसके पास ये फ्लाईओवर है और वहां से हम एक बार गुजर चुके हैं। एक बार उन पुलिस वालों के ठीक सामने से हमारी गाड़ी जा चुके हैं। हमने सोचा एक बार और देखते हैं इस गाड़ी को, वहां से उनके सामने से एक बार और गुजार के, क्या दूसरी बार गुजरने पर भी उनके मन में कुछ आता है क्या कि ये गाड़ी दो बार चक्कर मार रही है यहाँ पे, कौन है इस गाड़ी में, इसको रोकना चाहिए। ये भाव पुलिस वालों के मन में आता है या नहीं आता, और इस भाव के साथ क्या वो हमें रोकते हैं, जरा इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बस देखते जाइए, ये पहली बार तो हम सीधा निकल गए थे, अब हम पुलिस वालों के ठीक सामने से निकल रहे हैं, ये देखिए। और ये गाड़ी हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक भी ली, ये थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर रोकी है। हमारी गाड़ी इस वक्त खड़ी है यहाँ 0 स्पीड, और उसके बाद ये देखिए ठीक सामने ये पुलिस वाले खड़े हैं ना, हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होके आपको ये दिखा रहे हैं
अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। काले शीशे वाली बड़ी गाड़ी में गाजियाबाद का पूरा चक्कर लगाकर हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां से सफर शुरू किया था। यहां देखिए ठीक बगल में मेरे पुलिस चौकी गौर सिटी थाना बिसरख जिला गौतम बुद्ध नगर है। पुलिस चौकी है यहां लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि यहां पुलिस चौकी है, यहां कम से कम उन्हें कोई डर नहीं है। और मेरे ठीक सामने पुलिस सहायता केंद्र भी है, ये मैं देख रहा हूँ सामने। ठीक गाजियाबाद से पहले ऐसा ही कुछ अनुभव हमें नोएडा और दिल्ली में भी हुआ। हम नोएडा के सेक्टर 14 के सामने से गुजरने वाली सड़क पर थे, जहां से महज 100 मीटर की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली है। हमारे वहां खड़े होने के 7 मिनट के बाद हमारे सामने से फर्राटे भरती हुई निकली एक सफेद SUV कार। गाड़ी तो सफेद है लेकिन शीशे ब्लैक। हमने पीछा करना शुरू किया, दिल्ली में दाखिल हो चुकी थी ये कार। तो इस वक्त एक गाड़ी नोएडा से दाखिल हुई है दिल्ली, UP16CD6046 XUV500। पीछे के शीशे देखिए, जेट ब्लैक, और बाकी चारों शीशे जो हैं वो भी टिंटेड ग्लास हैं। आप जरा देखिए तस्वीर एक बार। और ये गाड़ी, इस गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं, ये गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। हम इस काले शीशे वाली गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे थे। ये देखिए इस सेंट्रो, इसके पीछे का शीशा जेट ब्लैक। ऐसे लोगों को क्यों डर हो भाई, अब चेक पोस्ट लगातार क्रॉस करते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए जिस गाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे, ये सेंट्रो कार, ये सेंट्रो कार जो आप अभी देख रहे हैं, इसके पीछे का शीशा आप देखिए, वो भी जेट ब्लैक है। यानी सड़कों पे आज भी आपको इस तरह की गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं। अच्छा, ये गाड़ी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है बिना किसी डर भय के। अब देखिए सीलमपुर से हम गुजर रहे हैं, और ये देखिए बाईं तरफ आपको दिख रहा है, ये थाना शास्त्री पार्क का एरो बनाया हुआ है, और यहाँ एक पुलिस चेक पोस्ट भी है। यहाँ एक देखिए पुलिस सहायता केंद्र BEAT No. 1 थाना शास्त्री पार्क, उसका एक पुलिस पिकेट है यहाँ पे, जिसमें हालांकि ताला बंद है अभी, यहाँ इसमें कोई भी नहीं है। ये तो सीलमपुर का एक और पुलिस पिकेट पॉइंट, जहां से ये गाड़ी आगे निकल चुकी है। हम यही फॉलो कर रहे हैं, और ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि नोएडा से यानी कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल होने के बाद कितने किलोमीटर का सफर तय करके कितने अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट और पुलिस पॉइंट से गुजरती हुई ये गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। हम उसके साथ हैं, आइए। ये पुलिस स्टेशन जाफराबाद का बोर्ड लगा है, और नीचे पुलिस बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। हालात नोएडा में भी कमोबेश ऐसे ही थे। हमने काले शीशे वाली गाड़ी नोएडा में भी दौड़ाई। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं एक रेड लाइट पर। ये सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन है। सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में मौजूद है, आपको मेट्रो ट्रैक ऊपर से दिख रहा होगा। तो ये देखिए एक पुलिस पर्सनल है यहाँ, ये ट्रैफिक पुलिस, आप इनके ठीक बगल से गुजरेंगे हम, और ये देख भी रहे हैं, इनको लग रहा है। तो बेरोक टोक सफर का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। स्मॉल के ठीक सामने पुलिस चौकी TGIP है, उसके पास आपको ये एक PCR वैन भी खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नोएडा पुलिस की एक PCR वैन है, चलते रहो। नोएडा पुलिस की PCR वैन है, उसके ठीक बगल से उस चौकी और उस पुलिस PCR वैन के ठीक बगल से इस वक्त हम गुजरे हैं। यहाँ भी हमसे पूछने की जहमत किसी ने नहीं उठाई उन्होंने। लेकिन इस बीच एक सुखद तस्वीर भी दिखाई दी। तो फाइनली नोएडा सिटी सेंटर के सामने से गुजरते हुए यू टर्न लेते ही हमें रोक लिया गया। यहाँ ये एक अच्छी बात है कि पुलिस वाले मौजूद हैं, और हम गाड़ी रोक के और उनकी इस बात की सराहना भी करेंगे। ये फिल्म क्यों लगा रखी सर इस पे, इसलिए हम आपको देखिए चालान करेंगे। देखिए ये सवाल भी हुआ है, ये सवाल भी हमारे सामने हुआ कि आपने ये जेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ी, जेट ब्लैक शीशा आपने क्यों कर रखा। तो इस एक अच्छी और सुखद तस्वीर को देखने के बाद भी मन में आखिर में एक बात जरूर आती है, व्यवस्थाओं को फाइलों के साथ साथ सड़कों पर भी तेज रफ्तार से बदलना जरूरी है। अमित प्रकाश, Zee Media।